नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब से कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि जो लोग वार्ड का चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं रखते वे कांग्रेस का इतिहास बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग कल तक मंत्रियों के चपरासी थे वे अब कांग्रेस के बारे में ज्ञान देते हैं। तिवारी ने कहा कि इससे उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस में लगाई है उनके मन को ठेस पहुंचती है। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी में असंतुष्ट नेताओं के गुट G23 के नेता मनीष तिवारी का भी ये पार्टी नेतृत्व के करीबियों पर जोरदार हमला बताया जा रहा है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि सोनिया गांधी को पत्र लिखे जाने के बाद देश के 10 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं लेकिन कांग्रेस को सभी जगह हार मिली है। उन्होंने कहा कि 2021 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस को 0 सीटें मिली जबकि बाकी राज्यों में भी पार्टी को शिकस्त मिली। तिवारी ने कहा कि अगर कांग्रेस का ख्याल और भारत का ख्याल एक है तो या तो कांग्रेस के ख्याल में फर्क आ रहा है या फिर भारत के ख्याल में फर्क आ रहा है, वरना 1885 से चला आ रहा कांग्रेस और भारत का ये सामंजस्य कैसे टूट रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में आत्मचिंतन की जरूरत है। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से इस्तीफा देने के एक दिन बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व विधायक अमीन भट्ट ने कहा कि गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बता दें, आजाद के इस्तीफे के बाद अमीन भट्ट समेत 5 कांग्रेसी नेताओं ने भी पार्टी से इस्तीफे का ऐलान किया था। पूर्व विधायक अमीन भट्ट ने शनिवार को आजाद से मुलाकात की। इसके साथ ही कहा कि हम आगे के रास्ते पर चर्चा करेंगे, हम BJP की बी टीम नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने भेजे गए इस्तीफे में राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा था कि सोनिया गांधी सिर्फ नाम मात्र के लिए हैं और सभी महत्वपूर्ण निर्णय या तो राहुल गांधी के द्वारा लिए जा रहे थे या फिर उनके सुरक्षा गार्डों और PA के द्वारा। इसको लेकर अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि गुलाम नबी जी भाईजान, आपको राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाए जाने का निर्णय राहुल जी के किस PA या सुरक्षाकर्मी ने लिया था ये भी हमें बता दें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी की वापसी के लिए कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा क्योंकि उनके अलावा पार्टी में कोई और नहीं है जिसकी अखिल भारतीय पहचान है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा कि पार्टी का नेतृत्व करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को पूरे देश में जाना जाना चाहिए और उसे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर और पश्चिम बंगाल से गुजरात तक समर्थन प्राप्त होना चाहिए। खड़गे ने याद करते हुए कहा कि पहले भी सभी वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को पार्टी में शामिल होने और काम करने के लिए मजबूर किया था और राहुल गांधी से भी आकर लड़ने का अनुरोध किया था। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर कहा कि आप मुझे विकल्प बताएं, कौन है राहुल गांधी के अलावा पार्टी में। खड़गे ने कहा कि हम उनसे पूछेंगे, हम उन पर दबाव डालेंगे और उनसे कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में लौटने के लिए अनुरोध करेंगे, हम उनके पीछे खड़े हैं। जस्टिस उदय उमेश ललित ने आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ले ली है। वो सुप्रीम कोर्ट के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। बता दें, CJI UU ललित का पद पर 8 नवंबर 2022 तक कार्यकाल है। मालूम हो कि जस्टिस यूयू ललित भारत के दूसरे ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए। उनसे पहले जस्टिस SM सिकरी वकील से सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। जस्टिस सिकरी से पहले कोई वकील सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया था। बता दें, इससे पहले जज के रूप में जस्टिस यूयू ललित 3 तलाक जैसे मामले की बेंच में रहे हैं। इस बेंच ने कहा था ये प्रथा संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत दिए गए मूल अधिकार का उल्लंघन है। इसके अलावा उन्होंने अनुसूचित जाति से जुड़े मामलों को लेकर भी कई फैसले दिए हैं, जैसे SC ST एक्ट के तहत गिरफ्तारी से पहले जांच अधिकारी को मंजूरी लेने का आदेश है। इसके अलावा वो उस बेंच में भी शामिल थे जिसने कहा था कि किसी दूसरे राज्य से आने वाले प्रवासियों को नए राज्य में सिर्फ इसलिए SC नहीं माना जा सकता है कि पहले के राज्य में उनकी जाति को SC के रूप में मान्यता मिली हुई थी। झारखंड में पैदा हुए ताज़ा राजनीतिक संकट के बीच UPA विधायकों की बैठक लगातार दूसरे दिन आज बुलाई गई है। ये बैठक शनिवार की सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री सोरेन के आवास पर बुलाई गई है। वहीं खनन मामले में मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने की अटकलों के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार और BJP को जितना कुचक्र रचना है रच ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि वो आदिवासी के बेटे हैं और डरने वाले नहीं हैं, लड़ने वाले लोग हैं। इस बीच सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दोषी ठहराते हुए विधानसभा से उनकी अयोग्यता की सिफारिश की है। इसका मतलब यह है कि राज्यपाल द्वारा अयोग्यता के संबंध में नोटिफिकेशन जारी करने के बाद सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा, साथ ही उनकी मंत्रिमंडल को भी इस्तीफा देना होगा। झारखंड में इस मामले को लेकर राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को महागठबंधन की सरकार में शामिल दलों के विधायकों के साथ बैठक की थी। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और RJD मिलकर सरकार चला रहे हैं।
सोरेन ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। पुलिस, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को आदेश देकर उनकी सरकार को रोका जा रहा है। बीजेपी हेमंत सोरेन सरकार पर लगातार हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछा है कि क्या प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल से आपके भ्रष्टाचार के तार जुड़े हैं या नहीं। प्रेम प्रकाश के घर पर छापेमारी के दौरान ईडी को 2 AK-47 और कारतूस मिले थे। प्रेम प्रकाश को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बेहद करीबी बताया जाता है। ईडी ने प्रेम प्रकाश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का भी मुकदमा दर्ज किया है, जबकि अमित अग्रवाल का झारखंड के जामताड़ा में बड़ा कारोबार है और उनकी सत्ता के गलियारों में अच्छी पकड़ है। मरांडी ने कहा कि आदिवासी उत्थान के नाम पर झूठे वादे कर सोरेन ने सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा लूटने का काम किया। बेरोजगारों को नौकरी, किसानों के ऋण माफी, बेरोजगारी भत्ता, सबके सब जुमले ही साबित हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज ट्वीट कर कहा कि दही, छाछ, शहद, गेहूं, चावल आदि पर अभी जो जीएसटी लगाया उससे केंद्र सरकार को 7,500 करोड़ सालाना आएगा। सरकारें गिराने पर अभी तक इन्होंने 6,300 करोड़ खर्च किया है। अगर ये सरकारें ना गिराते तो गेहूं, चावल, छाछ आदि पर जीएसटी न लगाना पड़ता, लोगों को महंगाई का सामना ना करना पड़ता। बता दें, इससे पहले केजरीवाल ने कल विधानसभा में कहा था ये सरकार महंगाई बढ़ाकर जीएसटी लगाकर जो पैसा कमाती है वो विधायकों को खरीदने में लगाती है और अरबपति दोस्तों के कर्ज माफ़ करती है। केजरीवाल ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार गिरानी थी तो इन्होंने दूध, दही, छाछ जैसी चीज़ों पर जीएसटी लगा दिया और अब झारखंड की सरकार गिराने की बात चल रही है, जल्द ही कोई चीज़ महंगी की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के विरोध के बाद अब 28 अगस्त को दिल्ली में होने वाले कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है ये शो इलाके में सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करेगा। बता दें, 23 अगस्त को शो को आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। मालूम हो कि दिल्ली में शो के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली पुलिस को शो रद्द करने के लिए पत्र लिखा था। साथ ही कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने कॉमेडियन पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक करने का आरोप लगाया। मुनव्वर फारूकी के शो को अनुमति दिल्ली पुलिस द्वारा रद्द करने के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोत्रा ने दिल्ली पुलिस को स्पाइनलेस यानी कि रीड विहीन कहा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वीएचपी ने दिल्ली पुलिस को धमकाया तो मुनव्वर फारूकी का शो रद्द कर दिया गया। गांधी जी ने कहा था, मैं नहीं चाहता कि मेरा घर चारों तरफ से दीवारों से घिरा हो और मेरी खिड़कियां भरी हों। क्या भारत का सांप्रदायिक सौहार्द आज इतना नाजुक है कि कॉमेडी शो से प्रभावित होगा। केरल के एक परीक्षा केंद्र पर नीट परीक्षा के दौरान छात्राओं को इनरवेयर उतारने के लिए मजबूर करने के मामले में अहम फैसला आया है। अब उन छात्राओं के लिए दोबारा से परीक्षा आयोजित की जाएगी। इन छात्राओं के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने 4 सितंबर को फिर से परीक्षा आयोजित की है। बता दें, इन छात्राओं को 17 जुलाई को केरल के केंद्र में परीक्षा देने से पहले अपने इनरवेयर उतारने के लिए मजबूर किया गया था, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया था और पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। बाद में इस मामले में इनरवेयर उतरवाने वाली महिलाओं और नीट कोऑर्डिनेटर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गोवा पुलिस ने शुक्रवार को हरियाणा भाजपा नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में एक क्लब मालिक और एक ड्रग तस्कर सहित 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने क्लब के वॉशरूम से ड्रग्स भी बरामद किए हैं। इससे पहले शुक्रवार को गोवा पुलिस ने कहा था कि सोनाली फोगाट को ड्रग दिया गया था। इस मामले में सोनाली फोगाट के 2 सहयोगी सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी को पहले हत्या के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।